वक्त राहुल गांधी पसुपेश में पड़ने वाले हैं। हर कोई वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहता है, नई तकनीक से जीवन को बेहतर और आरामदायक बनाना चाहता है, लेकिन देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें इस बदलाव से डर लगता है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। दिल्ली में चुनाव आयोग ने 58 पार्टियों के साथ बैठक की और उनकी राय ली। आज कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की। ओडिशा के बीजू जनता दल ने सरकार का साथ दिया, कहा ईवीएम से कोई शिकायत नहीं है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में बदलाव को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा है, ऐसे में किसी भी बड़े बदलाव के लिए वक्त काफी कम है। ईवीएम के संदर्भ में बहुत बड़े तादाद में लोगों के दिलों में ये शंका पैदा हुई है कि जो लोगों की इच्छा है वो इस प्रोसेस के जरिए चुनाव में सामने नहीं आ रही है। ईवीएम को लेकर बीजू जनता दल का मत बड़ा स्पष्ट है कि जिन पार्टियों ने ईवीएम का विरोध किया है, बीजू जनता दल ने उनका साथ नहीं दिया है। बीजू जनता दल सोचती है कि जो वीवीपैट का सिस्टम अब इंट्रोड्यूस किया गया है उससे मेरे हिसाब से काफ़ी सुविधा होनी चाहिए। ईवीएम मशीन हैकिंग हो रहा है, अभी 2-3-4 बरस में पब्लिक को कॉन्फिडेंस चला गया उसमें। उत्तर प्रदेश इलेक्शन देखो और सब जो इलेक्शन हुआ, त्रिपुरा का इलेक्शन देखो, आसाम का इलेक्शन देखो, पीपल्स आर लूजिंग कॉन्फिडेंस। हमारी बहुजन समाज पार्टी ने खासतौर से कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए और बैलेट से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में बहुत धांधली हुई है। हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैक हो सकता है, उसी तरह से ईवीएम भी हैक हो सकती है और हैक हुई है।